हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो गाइस, कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि मैंने इस लॉकडाउन में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा। सो उसमें से मैंने एक चीज़ कहा था कि मैंने योगा भी करना सीखा है। सो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुझे मेरा योगा रूटीन का वीडियो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया और आपको इस वीडियो में मैंने मेरे योगा रूटीन के बारे में बताया हुआ है। सो वीडियो पूरा देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, और कोई अगर मिस्टेक लगे वीडियो में तो मुझे जरूर बताना। सो मेरा फर्स्ट योगा है मंडूकासन, और ये मेरा फेवरेट योगा भी है क्योंकि ये ईजी है करने में। और स्टे ट्यून्ड, बेसिकली मैं हर एक्सरसाइज को लगभग 30 सेकेंड तक या फिर 1 मिनट तक करता हूँ, बट वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये भी मेरा फेवरेट योगा है। आपको स्टार्टिंग में ये पोज करने थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये करने आ जाएगा। इसे टो टच योगा कहता हूँ। इसे क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसे करने से हमारा जो हाथ और पैर है वो बहुत स्ट्रेच होता है, खास करके हमारा पैर। मुझे स्टार्टिंग में टफ हो रहा था करने में, अपने शरीर को पूरा एक पैर पे बैलेंस करने के, लेकिन मैंने ट्राई किया और ट्राई करते करते मैंने ये सीख लिया। अब शायद मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे तू साधु बाबा बन गया है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये थोड़ा बहुत ट्राई किया, सीखा है योगा घर बैठे। और योगा भी हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, हमें भी थोड़ा बहुत दिन में योगा करना चाहिए, इससे हमें ही फायदा होगा। मैंने ये चीज़ कभी नहीं था सोचा कि मैं कभी योगा भी ट्राई करूँगा, बट 5 मंथ से जब मेरे जिम्स बंद थे इसलिए मैंने घर बैठ के थोड़ा बहुत जो योगा है सीख लिया। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, और वैसे अभी तो सब जगह जिम्स खुल चुके हैं, और जब मैं जिम जाऊंगा तो तभी मैं योगा करूंगा, बट थोड़ा सा कम करूंगा, बट मैं योगा नहीं छोड़ूंगा, योगा मैं करूंगा जिम के साथ भी। एंड गाइस, मेडिटेशन को मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलता हूँ, क्योंकि भले ही इसे आप 5 मिनट्स करो, 10 मिनट्स करो, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अभी तो मैं रोज़ 5 मिनट से कम मेडिटेशन करता हूँ।